ऐसे ही बहुत ज़्यादा सिलीगुड़ी में डेंगू फैला हुआ है यार। आप लोग मेरा हालत देख सकते हो यार, भयंकर फंस गया यार, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, आधा भीग चुका हूँ। थोड़ा देर पहले ब्लॉग में बोल रहा था जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, बारिश में भीगना रिस्की है, और बोलते ही बोलते बारिश हो गई तेज। ए चाय लाना मेरे भाई। ये क्या है? तो एक और सुहाना दिन और एक और नया व्लॉग। वैसे अभी 7:45 बज रहा है, अभी 7:30 के अराउंड में उठा, और दीपेश का भी स्कूल स्टार्ट हो गया तो वो अभी टिफिन रेडी कर रहा है। आ गया रेडी टिफिन। हाँ भाई, तू केला ले ले। यस, तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। मतलब गाड़ी का आवाज सुनने से इसको लगता है कि इसका गाड़ी आ गया ना। धूप है आज भयंकर। ड्यूक 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 ड्यूक, लेट्स गो। आलू की खुलेआम चोरी हो रही है। तो यार जिम वगैरह हो गया आज, तो सुबह सुबह बस मौत मस्त लग रहा है यार। जिस दिन यार एक दिन जिम नहीं जा पाता ना, मतलब मैं पूरा डिप्रेशन चलता है, मतलब अच्छा ही लगता है जिम नहीं जाने से। तो यार अभी जिम विम करके थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। दीपेश वैसे नहीं है, उसका स्कूल वगैरह स्टार्ट हो चुका है, कल छुट्टी था और आज से उसका स्कूल स्टार्ट हो चुका है, तो अभी उसी की वजह से वो अभी घर पर नहीं है। तो यार खाना वाना खा लेते हैं, अभी डायरेक्टली मैं खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि अभी अगर मैं निकलता हूँ तो डायरेक्टली रात को आऊँगा, तो उसके वजह से एक ही बार में हैवी ड्यूटी लंच ही करके, लंच नहीं ब्रंच ही करके निकलना सही रहता है। तो चलते हैं फटाक से खाना वाना खा लेते हैं, फिर निकलना भी है। खाने में है क्या आज? सब्जी वगैरह है। अरे इसमें से रोटी थी, रोटी नहीं है, राइस ही खा लूँगा डायरेक्ट। तो एक और ट्रैफिक भरा दिन। तो वैसे मेरा भी एक ट्यूशन ख़त्म हुआ है, 2:30 के अराउंड हो रहे हैं अभी। वैसे स्टार्टिंग ऑफ द डे ही है, रात रात तक पढ़ाना है। फिलहाल तो अभी चेक पोस्ट में हूँ यार। अभी भी रेड लाइट हुआ था, फिर से रेड लाइट है तरीका। ये रेड लाइट की वजह से दो बार आ गया ना, अभी फिर लेट हो जाएगा, पता है रेड लाइट की वजह से लेट हो जाऊँगा मैं। क्या कर सकते हैं, रुकना ही पड़ेगा। नहीं रुकने से भी चलेगा, मैं इधर से निकाल देता हूँ। ये रूट तो वो वाला रास्ता में कनेक्ट करेगी, उसके बाद मैं यहाँ से डायरेक्टली चला जाऊँगा। हो गया, सिंपल एंड लीगल। मुझे तो ऐसा लगा कि बहुत सारे सांप हैं रास्ते में। तो एक और अनप्रेडिक्टेड बारिश। आज तो 8 बजे ही ख़त्म हो गई सारी ट्यूशंस वगैरह, अभी तो घर जा रहा हूँ। और हल्की फुल्की आ रही है बारिश, होपफुली भीगूंगा नहीं मैं। रुको जरा, सबर करो। फिलहाल तो हूँ अभी, कहाँ बोलूँ मैं आप लोगों को, सेवक रोड में ही हूँ, कॉस्मोस के इधर। तो आज मेन रोड से ही जा रहा हूँ, नहीं तो यूजुअली मैं अंदर वाले रास्ते ले लेता था। अभी टाइम है तो सोचा चलो मेन रोड से ही चलते हैं। Just then. तो यार बारिश स्टार्ट हो चुकी है, वैसे बारिश स्टार्ट हो चुकी है और मैं चल रहा हूँ घर की तरफ, इसलिए मेन रोड से भी मैं गली में आ गया यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। फॉग लाइट्स ऑन कर देता हूँ। हाँ अब ठीक है, जल्दी जल्दी चलते हैं घर यार, दिखना नहीं चाहता हूँ। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सिलीगुड़ी में डेंगू फैला हुआ है, जहाँ सुन रहा हूँ वहीं आदमी लोगों को डेंगू होके रखा हुआ है। तो बारिश में भीगना यार खतरे से खाली नहीं है भाई साहब। यार बारिश तेज़ हो ही गई, रुकने का भी मन नहीं कर रहा है। अभी रुकने से कितना देर तक रुकना पड़ेगा इसका तो कोई गारंटी नहीं है, पर रुक जाएंगे कहीं पे। यहाँ पे रुक जाते थोड़ा देर, ऊपर उठा देते भाई को। अरे
हाँ ऐसा जगह में रुकना ठीक है, शेड मेरे को भी मिल जाएगा, बाइक को भी मिल जाएगा। थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे पास यार। थोड़ा आगे आ गया, सोचा बच जाऊंगा, पर यार बारिश और तेज हो गई। धत तरीका यार, आप लोग मेरा हालत देख सकते हो यार, भयंकर फंस गया यार। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, आधा भीग चुका हूँ, पता नहीं कब तक चलती रहेगी ये बारिश यार। 15 मिनट्स हो गया यार, यहीं पे रुका हूँ, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। धत तरीका, ये स्ट्रीट लैम्प भी बंद, ऑफ ऑन हो जा रहा है। तो यार ऑलमोस्ट हाफ एन आवर के बाद थोड़ी सी बारिश रुकी है, तो मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ। ओ भाई बारिश तो तभी भी हो ही रही है धीरे धीरे। मैं थोड़ा देर पहले ब्लॉग में बोल रहा था जब बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी कि ऐसा बारिश में भीगना रिस्की है, और बोलते ही बोलते बारिश हो गई तेज। और फिर क्या, भीग गया कम्प्लीटली। अभी भी मतलब कम्प्लीटली रुकी नहीं है, मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक वेट किया यार, तभी भी बारिश पूरी तरीके से नहीं रुकी है, अभी भी हो ही जा रही है। सोचो यार अक्टूबर का महीना में इतना बारिश कैसे होता है यार। मतलब मॉनसून का सीज़न बोल के कुछ होता है, पर यहाँ पे तो यार 365 डेज में से 300 डेज ही मॉनसून होता है, 65 डेज शायद कुछ बारिश ऑफ ही रहता होगा शायद, और 365 डेज में 300 डेज मानसून। पूरी तरीके से भीग गया। यार बैक टू माय रूम। वैसे यार आज का दिन बहुत फ्लैट गया, एकदम नॉर्मल सा दिन था, काम वाम के चक्कर में और कुछ मैं ब्लॉग में बना ही पाया। और अभी वैसे रात 1 बज रहे हैं, और रात के 1 बजे मैं क्या कर रहा हूँ जो कोई भी एक नॉर्मल बिगनर यूट्यूबर करेगा। मैं देख रहा था कि मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ या नहीं हुआ, और सही समझा आप लोगों ने, अभी तक हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो अभी 3868 पब्लिक वॉच आवर, अभी और 132 पब्लिक वॉच आवर्स बाकी है। तो यार बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है अभी, और ब्लॉग्स टू ब्लॉग्स आएगा, और फेसबुक पे तो कंटिन्यू ब्लॉग्स अभी मैं ढाल ही रहा हूँ। तो चलिए यार करते हैं आज के ब्लॉग का यहीं पे एंड। आज के ब्लॉग को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। चलो कल मिलते हैं, बाय।